स्टोरेज के सेकंड वीडियो सीरीज में हम जानते हैं फाइल सिस्टम साइज लिमिटेशन MBR GPT RAD 015 के बारे में। MBR GPT को समझने के लिए हमें जानना होगा BIOS और UEFI के फर्मवेयर को। ये BIOS और UEFI दो अलग-अलग तरह के फर्मवेयर हैं। BIOS एक लेगेसी फर्मवेयर है जो कि 1975 में बिल्ट हुआ था। अभी हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे बायोस के फीचर लिमिटेड हो जाते हैं, तो ऐसे में नए फर्मवेयर चाहिए जिसमें लिमिटेशन बड़ा हो। तो एक बार जानते हैं बायोस के लिमिटेशंस को। 16 बिट आर्किटेक्चर होने के कारण नेम स्पेस लिमिटेड था 65,536 नेम स्पेस तक ही। एक नेम स्पेस का मतलब होता है एक सेक्टर के एड्रेस को स्टोर करना। नंबर ऑफ पार्टीशन जो एक डिस्क में हो सकते हैं इन MBR कैन बी फोर, फोर फिजिकल पार्टीशन ओनली। और मैक्स लिमिट साइज कितना हो सकता है, वो है 2 टेराबाइट। ये 2 टेराबाइट मैक्स लिमिट होता है MBR में। ये क्यों होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग BIOS और UEFI के बारे में जानते हैं। UEFI जो है नए फीचर के साथ आए, नए एनहांस्ड फीचर के साथ आए। ये 32 बिट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। मैक्स फिजिकल पार्टीशन इज 128 फिजिकल पार्टीशन और प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हैं उस डिस्क पे जो कि UEFI से आप पार्टीशन बनाएंगे। मैक्सिमम पार्टीशन साइज बहुत ज़्यादा है, 9.22 जीटा बाइट होते हैं। इसमें सिक्योर बूट फीचर भी ऐड किया गया, लेकिन लिगेसी MBR ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक बार समझते हैं MBR के कैलकुलेशन को। MBR जो होता है वो 32 बिट के आर्किटेक्चर पे बना होता है। मैक्स नंबर ऑफ नेमिंग स्पेस क्या होता है इसमें, 2 to the power 32। दैट मीन्स दिस मच, ये आप काउंट कर सकते हैं कितना हो सकता है, इतने नंबर ऑफ नेमिंग स्पेस होते हैं। एक नेमिंग स्पेस का मतलब होता है वन सेक्टर। एक सेक्टर है उस पे क्या लिखा हुआ है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो एक स्पेस का, उसके लिए एक स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस सेक्टर कैन बी स्टोर्ड इज दिस वन। इससे ज्यादा अगर सेक्टर हैं आपके हार्ड डिस्क में तो MBR उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इतना ही रिकॉग्नाइज करेगा। अब देखते हैं एक सेक्टर का साइज कितना होता है, 512 बाइट्स। तो इतने सेक्टर हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 512 बाइट्स, कितना होगा साइज, 2 टेराबाइट्स। 2 टेराबाइट से ज्यादा बड़ा MBR में पार्टीशन आप नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे हार्ड डिस्क लेके आते हैं जिसका साइज 10 टेराबाइट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 टेराबाइट ही यूज कर पाएंगे, 8 टेराबाइट आप नहीं कर सकते यूज। चलिए यही कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं GPT में। GPT पार्टीशन टेबल जो बना हो वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। 64 बिट आर्किटेक्चर का मतलब होता है 2 to the power 64, इतने नेमिंग स्पेस। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इतने नेमिंग स्पेस हो सकते हैं तो साइज क्या होगा उस डिस्क का, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 512 बाइट्स, और वो साइज हो जाएगा 9.22 जीटाबाइट। ये जीटा बाइट क्या होता है, 1 जीटा बाइट इक्वल टू 1 बिलियन टेराबाइट। ये तो हुआ MBR और GPT के कैलकुलेशन का। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फाइल एलोकेशन टेबल का। फाइल एलोकेशन टेबल वो चीज होता है जब आप डिस्क के ऊपर पार्टीशन बनाते हैं तो उसको फॉर्मेट करते हैं उस पार्टीशन को। आपने हार्ड डिस्क के ऊपर एक बनाया सी ड्राइव, अब सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, कैसा साइज होगा, क्यों इसका साइज होगा, ये हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है इसको हम लोग एक समझते हैं एक बार। इस चार्ट को फाइल सिस्टम यहाँ पे देख रहे होंगे, फैट 16, 32 और NTFS है। कितने बिट का होता है, फैट 16 इज 16 बिट, 32 इज 32 बिट एंड NTFS इज ऑल्सो 32 बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर क्या हो सकते हैं फैट 16 में, तो 2 to the power 16 इक्वल टू 65,536, इतने क्लस्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लस्टर नहीं हो सकते हैं। और एक क्लस्टर का साइज,
ये हम लोग साइज कब डिसाइड करते हैं, जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि फॉर्मेट करने के टाइम में हम लोग क्लस्टर का साइज कहाँ पे देते हैं। एक क्लस्टर का साइज 0.5 KB मीन्स हाफ किलोबाइट, यानी कि 512 बाइट है, तो उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, 32 MB। इससे बड़ा साइज नहीं हो सकता है। इन हाफ किलोबाइट यानी 512 बाइट के क्लस्टर साइज में, तो यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल का जो हम लोग पार्टीशन साइज डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करता है क्लस्टर साइज के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रखा है क्लस्टर साइज 64 KB। ऊपर मैंने कैलकुलेशन लिखा है, कैलकुलेशन आप देखते जाएंगे तो बस मैक्सिमम 4 GB का पार्टीशन बनाया जा सकता है। यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल का मैक्सिमम लिमिट इज 4 GB। ऐसा ही फैट 32 का है, इसका मैक्सिमम लिमिट रखा गया है 32 GB। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटेंशनली इस फाइल फैट 32 के साइज को रखा है 32 GB, उससे ज्यादा बड़ा नहीं रखा है। NTFS जो है वो फैट 32 है, 2 to the power 32, दैट मीन्स ये नंबर आता है। और इसमें क्लस्टर का जो साइज है 4 KB, 8 KB, 16, 32 एंड 64 KB हो सकता है। इसका साइज देखिए 256 TB तक मैक्सिमम बड़ा साइज आप बना सकते हैं इन NTFS। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, साइज का कैलकुलेशन एक बार हम लोग देखते हैं। फैट 16 का एक एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर इज दिस मच। फॉर्मेटिंग के टाइम में क्या होता है, क्लस्टर साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लस्टर, देन टोटल साइज आ जाता है, और उसमें हम लोग देख सकते हैं काउंट ऑफ क्लस्टर एंड फ्री क्लस्टर। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हार्ड डिस्क के साथ, पार्टीशनिंग एंड MBR GPT के साथ।